अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अध्याय के इस दूसरे पार्ट में हम बताएंगे बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं और साथ ही बताएंगे हमारे बुक्स के बैंक खाते और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जो अंतर होता है उसके कुछ कारणों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि BRS की ये जो वीडियो है वो चार पार्ट्स में है और आप इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में देख सकें इसके लिए हमने वीडियो और PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, साथ ही कमेंट्स में भी पिन कर दी है। इसके पहले पार्ट में हमने BRS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी थी। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन की प्रोसेस क्या है। इसमें हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन के साथ बैंक स्टेटमेंट को रखना होगा और फिर इनमें जो एंट्रीज हैं उन्हें एक दूसरे से मैच करना होगा, यानी उनका मिलान करना होगा। अब जो एंट्रीज मैच हो जाएंगी उन्हें छोड़कर बाकी की जो एंट्रीज हैं जो मैच नहीं होंगी उनमें ये समझना होगा कि वो एंट्रीज मैच क्यों नहीं हो रही हैं। कोशिश करने पर कुछ और एंट्रीज मैच हो जाएंगी और हो सकता है कि कुछ एंट्रीज ऐसी भी रह जाएं जो कि मैच ना हो। बस उन्हीं के आधार पर हमारा BRS तैयार होगा। इस रिकंसिलिएशन के काम को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं। इसमें हम बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन के डेबिट और क्रेडिट दोनों ओर के ट्रांजैक्शंस को बैंक स्टेटमेंट से मैच करते हुए रिकंसिलिएशन का काम करेंगे और दूसरा जो तरीका है वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं रिकंसिलिएशन का काम। ये देखिए, हमने 1 अप्रैल को 3,04,000 रुपए बैंक में नकद जमा किए थे जो कि हमारे यहां डेबिट में दिखाई दे रहे हैं। इसे हम बैंक स्टेटमेंट में देख लेते हैं। ये देखिए, बैंक में 1 अप्रैल को 3,04,000 रुपए हमने जमा किए जो कि बैंक ने अपने यहां पर क्रेडिट किए हैं। इसका मतलब ये कि बैंक रिकंसिलिएशन और बैंक स्टेटमेंट दोनों में ये एंट्री मैच हो रही है। अब हम फिर से आ जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर। यहां इंस्ट्रूमेंट डेट के पास में हमें बैंक डेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम बैंक स्टेटमेंट में इस एंट्री की डेट जो कि 1 अप्रैल है वो यहां पर टाइप कर देंगे। पर डेट टाइप करने से पहले हम आपको बता दें कि बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन में आप नीचे ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं वो क्या हैं? ये देखिए, ये हमारा बैंक का लेजर है। इसमें आप जो क्लोजिंग बैलेंस देख रहे हैं वो यहां पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स के नाम से दिखाई दे रहा है। अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक के नाम से जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दिखाई पड़ रहा है वो इन सभी वाउचर्स की डेबिट और क्रेडिट का टोटल अमाउंट है जिनकी बैंक डेट अभी हमने नहीं डाली है। जैसे जैसे बैंक स्टेटमेंट को देखकर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर बैंक डेट डालते जाएंगे, यानी कि ट्रांजेक्शन को मैच करके रिकनसाइल करते जाएंगे, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक हेडिंग के अंदर जो अमाउंट है वो अपने आप कम होता जाएगा। इसके नीचे आप बैलेंस एज पर बैंक लिखा देख रहे हैं। इसका मतलब है कि बैंक के अनुसार हमारे खाते में अभी इतना बैलेंस है, पर यदि हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और ये बैलेंस देखें तो ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, जबकि नाम के हिसाब से दोनों एक ही होना चाहिए। तो यहां पर हम आपको बता दें कि जैसे जैसे बैंक स्टेटमेंट से बैंक रिकंसिलिएशन के ट्रांजेक्शंस मैच करके हम बैंक डेट डालते जाएंगे उतना अमाउंट बैलेंस एज पर बैंक में भी कम या ज्यादा होता जाएगा और आखिर में ये बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां बैंक डेट में 1 अप्रैल टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, 2022 अपने आप आ गया है और यहां भी अमाउंट्स में आप देख सकते हैं चेंजेस आ गए हैं।
अब हम वापस बैंक स्टेटमेंट पर चलते हैं और अभी हमने जो एंट्री बैंक रिकंसिलिएशन से मैच कर ली है, यहां पर उसकी पहचान के लिए एक निशान लगा देते हैं। अब अगली एंट्री देखते हैं। इसमें हमने सप्लायर ए को 20,000 रुपए का जो चेक दिया था, जिसका नंबर 121111 था, उसकी पेमेंट एंट्री हमने अपने यहां बैंक अकाउंट में 1 अप्रैल को क्रेडिट में की है। अब इसे बैंक स्टेटमेंट में देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे द्वारा दिया गया 20,000 रुपए का चेक, जिसका नंबर 121111 था, बैंक में 3 अप्रैल को पास हुआ है, जो कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट में दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम बैंक रिकंसिलिएशन पर चलते हैं और अब यहां पर बैंक डेट डाल देंगे। ये देखिए, यहां बैंक स्टेटमेंट में भी ये एंट्री मैच हो गई है। इसकी पहचान के लिए एक निशान लगा देते हैं। इसी तरह हम सावधानी से पूरी डिटेल्स, जैसे पर्टिकुलर्स, ट्रांजैक्शन टाइप, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट और अमाउंट इत्यादि सभी को ध्यान में रखते हुए बैंक रिकंसिलिएशन के साथ बैंक स्टेटमेंट की जितनी भी एंट्रीज मैच हो सकती है वो मैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो जो एंट्रीज मैच हो सकती थी उन्हें मैच कर लिया है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर और बैंक स्टेटमेंट दोनों में ही कुछ ऐसी एंट्रीज बची हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं हुई हैं। इस पार्ट में हम उन एंट्रीज पर काम कर रहे हैं जो हमारे यहाँ के बैंक अकाउंट में हैं, पर बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। और अगली वीडियो में हम उन एंट्रीज पर काम करेंगे जो बैंक स्टेटमेंट में तो हैं, पर हमारे यहाँ बैंक अकाउंट में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन में जिन एंट्रीज के आगे बैंक डेट नहीं डली है, यानी जो मैच नहीं हुई है, उनके बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए, 30 अप्रैल को हमने सप्लायर सी को 20,000 रुपए का चेक दिया, जिसका नंबर 121116 है। इसके अलावा 30 अप्रैल को हमें कस्टमर ई से 12,000 रुपए का एक पेमेंट चेक से प्राप्त हुआ था, जिसका नंबर 365421 है। इस चेक को हमने उसी दिन बैंक में क्लियरिंग के लिए लगा दिया था। अब हम बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए, इसमें 26 अप्रैल के बाद की कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी ये चेक बैंक में क्लियर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन में कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि इस तरह की एंट्रीज के ना होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि हमने जो चेक जारी किए हैं वे पार्टियों द्वारा भुगतान के लिए बैंक में अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, या फिर बैंक में अंडर प्रोसेस है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी सप्लायर या किसी पार्टी को चेक देते हैं तो उसी समय पेमेंट वाउचर में एंट्री करके पार्टी को डेबिट कर देते हैं और बैंक के लेजर को क्रेडिट कर देते हैं। पर बैंक तब तक हमारा खाता डेबिट नहीं करता है जब तक कि वो पार्टी बैंक से भुगतान प्राप्त नहीं कर लेती। चेक काटने से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक में थोड़ा समय तो लगता ही है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी बुक्स में बैंक खाते में एंट्री होने के कारण हमारे यहाँ बैंक का बैलेंस कम हो जाता है, पर बैंक में एंट्री नहीं होने के कारण बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस पहले की तरह ही रहता है। तो दोनों जगह बैलेंस में अंतर आने का एक मुख्य कारण ये है। इसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर चलकर और अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 1 तारीख को सप्लायर ए को पेमेंट किया, पर यहां हम बैंक डेट देखेंगे तो यहां पर नजर आ रहा है कि बैंक में उसकी एंट्री 3 तारीख को हुई है। इसका मतलब ये है कि सप्लायर ए को जो भुगतान मिला है वो 3 तारीख को मिला है।
यानी हमारे द्वारा और बैंक के द्वारा की गई एंट्री में 2 दिन का अंतर आ गया है। ठीक ऐसा ही इस एंट्री में भी हुआ है। इसमें हमने 30 तारीख को सप्लायर सी को बैंक से पेमेंट किया है और इसी दिन अपनी बुक्स में एंट्री कर ली है, पर जब हम बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं तो यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि ये जो चेक है वो या तो अंडर प्रोसेस है या फिर पार्टी ने भुगतान के लिए अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि पार्टी ने अभी इस चेक को बैंक में लगाया ही नहीं है। दूसरा कारण है कलेक्शन या क्लियरिंग हेतु बैंक में जमा किए गए चेक या ड्राफ्ट आदि का कलेक्शन या क्लियर ना होना। जिस प्रकार से हम पेमेंट के लिए चेक इश्यू करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हमें चेक या ड्राफ्ट से कोई भुगतान प्राप्त होता है तो उसे हम कलेक्शन या क्लियरिंग के लिए बैंक में जमा कर देते हैं, और चेक या ड्राफ्ट को बैंक में जमा करने के तुरंत बाद हम अपने यहाँ रिसीट वाउचर में एंट्री करके संबंधित पार्टी को क्रेडिट कर लेते हैं और बैंक खाते को डेबिट कर देते हैं। पर बैंक उस समय तक हमारे खाते को क्रेडिट नहीं करता है जब तक कि उसे उन चेक या ड्राफ्ट की राशि प्राप्त ना हो जाए। ध्यान रखें, चेक या ड्राफ्ट जमा करने के बाद उसके कलेक्शन में या क्लियरिंग में थोड़ा समय तो लगता ही है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे यहाँ बैंक खाते का बैलेंस तुरंत बढ़ जाता है पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पहले की तरह ही बना रहता है। चलिए अब इसको भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये देखिए, हमने 30 अप्रैल को कस्टमर ई से चेक नंबर 365421 से ये 12,000 रुपए का पेमेंट रिसीव किया है। जैसे ही हमने क्लियरिंग के लिए चेक बैंक में जमा किया, उसी समय हमने इसकी एंट्री अपनी बुक्स में कर ली। पर जब हम बैंक स्टेटमेंट में जाकर देखते हैं तो इसकी एंट्री अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भले ही हमने चेक बैंक में जमा कर दिया हो पर जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक उसकी एंट्री नहीं करेगा। अंतर आने का तीसरा कारण ये हो सकता है कि जब हमें कोई चेक प्राप्त होता है तो हम उसकी एंट्री अपनी बुक्स में बैंक खाते में तो कर लेते हैं, पर चेक को बैंक में कलेक्शन या क्लियरिंग के लिए जमा करना भूल जाते हैं। जैसे कि हमें कोई चेक प्राप्त हुआ और हमने उसकी एंट्री अपने यहाँ बुक्स में कर ली और वो चेक हमने किसी कर्मचारी को बैंक में जमा करने के लिए दे दिया, पर वो कर्मचारी चेक जमा करना ही भूल गया, या ऐसे ही किसी कारण से बैंक में वो चेक जमा नहीं हो पाता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारी बुक्स में तो बैंक खाते का बैलेंस बढ़ जाता है पर बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो पहले की तरह ही बना रहता है। और बहुत दिन तक जब बैंक में वो पेमेंट नहीं आता है तब हम ढूंढते हैं तो पता चलता है कि हमने चेक जमा करने की बैंक स्लिप तो भरी थी या फिर हमने वो चेक किसी को जमा करने के लिए दे दिया, पर जिसे दिया वो उस चेक को बैंक में जमा करना ही भूल गया। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट में जो एंट्रीज हैं वो किन कारणों से बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। अब आगे काम करने के पहले हमें इनको सेव करना होगा, और यदि हम इन्हें सेव नहीं करते हैं तो अभी हमने बैंक स्टेटमेंट से ये जो रिकंसिलिएशन किया है यानी ये जो बैंक डेट डाली है वो सब चली जाएंगी, इसलिए पहले हम इनको सेव कर लेते हैं। आइए अब वापस बैंक रिकंसिलिएशन पर चलते हैं। ये देखिए, हमने जिन जिन एंट्रीज का मिलान कर लिया था वो रिकंसाइल होकर यहाँ से चली गई है। अब यहाँ पर केवल वो एंट्रीज बची हैं जो पेंडिंग हैं, यानी जिनका मिलान बैंक स्टेटमेंट से नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको उन एंट्रीज के बारे में समझाएंगे जो बैंक स्टेटमेंट में तो हैं पर हमारी बुक्स के बैंक अकाउंट में नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।